नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय RN45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं बीएड डिग्री धारकों से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियां जो हैं वैध रहेंगी। ये खबर जो है जबलपुर हाई कोर्ट की है। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 11 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश के पहले जिन बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है वे सभी नौकरी पर बने रहेंगे। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं, बने रहे वीडियो पर अंत तक। यानी ऐसे बीएड डिग्री धारक जिनकी नियुक्ति जो है 11 अगस्त के पहले हो चुकी है वे जो है अपनी नौकरी पर जो है बने रहेंगे। यहाँ से देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शर्त के अनुसार इन सभी बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि एक वर्ष के भीतर ये कोर्स नहीं किया तो उनकी नियुक्ति जो है निरस्त हो जाएगी। यानी एक साल के अंदर जो है उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नियुक्ति जो है रद्द हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीए डिग्री धारकों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट ने जो है अवैधानिक माना है। सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारियों को अयोग्य घोषित किया था। इस आदेश के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी हैं, शेष पद डीएलएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को जो है नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ से देख सकते हैं 21,962 नियुक्तियों में से बीएड डिग्री धारकों की संख्या कितनी है, 11,583। तो जितने भी बीएड डिग्री धारक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति जो है हो चुकी है वे जो हैं अपनी नौकरी पर बने रहेंगे, ठीक है। 11 अगस्त 2023 के पहले अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो वे जो है अपनी नौकरी पर बने रहेंगे, बस उन्हें जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और एक साल के अंदर, नहीं तो उनकी नौकरी जो है रद्द कर दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।